ये बहुत दुख की घड़ी है। इस दुख की घड़ी में परिवार लोग को ईश्वर शक्ति प्रदान करे, हम लोग साथ में है। जो आर्थिक मदद हुआ वो आर्थिक मदद भी किए। गरीब आदमी मजूरी कर करके फसल खाए, सुन लो कानन चले हरियाणा चढ़ने काम में कुल फूका पड़ गए। जब हमारे गम्मा में हरियाणा चढ़ने काम हम कोई खेल के दो दिन नहीं, मतलब दुखों का पहाड़ टूट गया है, क्या कहें, बहुत दुखित है। नवादा जिले के बारसलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गंभीरपुर गांव में पिछले 28 सितंबर को तालाब में स्नान करने के दौरान एक ही गांव के चार बच्चे की मौत हो गई थी। अब आप खुद समझ सकते हैं उस गांव के लोगों की व्यथा, उस गांव के लोगों की दुख को आप खुद समझ सकते हैं कि उस गांव में क्या गुजरा होगा। पूरे गांव में आज भी चित्कार गूंज रही है। पीड़ित परिजनों से लगातार उनके जनप्रतिनिधि और जो समाज सेवी हैं मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। आप सामने देख लीजिए, ये जो भीड़ नजर आ रही है उसी गंभीरपुर गांव की है। और आज इस पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए भोजपुरी के गायक गुंजन सिंह यहां पहुंचे हैं। आप देख लीजिए कि गुंजन सिंह को देखने के लिए भी इस गांव के काफी लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। घटना जो है 28 सितंबर को गंभीरपुर गांव में घटी थी, जहां तालाब में स्नान करने के दौरान चार बच्चे की मौत हो गई थी। आप खुद समझ सकते हैं उस दुख को, जिस गांव से चार चार सब एक साथ बाहर निकले, वो भी उस भविष्य का जो इस गांव का भविष्य था। आप देख लीजिए गुंजन सिंह इस गांव में उन पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, उस पीड़ित परिजनों के दुख को बांटने के लिए पहुंचे हैं। थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये काफी दुखद घटना है, संवेदना भरी यह घटना है। भोजपुरी सुपरस्टार गुंजन सिंह यहाँ पहुंचे हैं, तो काफी दर्दनाक घटना घटी। बहुत किस रूप में इस घटना को देखते हैं? ये तो लापरवाही भी दिख रहा है। अभी हम डीएम साहब से बात किए इस घटना के बारे में कि सर इसको देखिए और इसका जांच करिए कि यहाँ पे तालाब जब खोदा गया तो जेसीबी से क्यों खोदा गया? मनरेगा का काम था, मजदूर से खुदवाना चाहिए। बहुत गड्ढा था, उसमें पानी जम गया और उसमें बच्चे मर गए, चार चार बच्चे। तो ये बहुत दुख की घड़ी है। इस दुख की घड़ी में परिवार लोग को ईश्वर शक्ति प्रदान करे, हम लोग साथ में है। जो आर्थिक मदद हुआ वो आर्थिक मदद भी किए, आर्थिक मदद भी किया गया। हाँ, तो हम ऐसे कहीं जाते ही नहीं। परिजनों को जो अनुदान की राशि मिलती है उसके लिए क्या प्रयास किया गया आपके द्वारा? हाँ, वो अभी पोस्टमार्टम हुआ है तो उसका अभी थोड़ा समय लगता है, 10-15 दिन लग सकता है। और जो 20,000 था वो 20,000 वाला मिला है ना? हाँ, 20,000। बाकी जो है वो मिल जाएगा। हम बोल भी दिए हैं कि एक बार और बतिया लेंगे, अगर लेट होगा तो हम बतिया के करा देंगे। काफी दुखद घटना है, काफी हृदय विदारक घटना है। यानी एक ही घर का दो भाई। हाँ, एक परिवार में तो इनके घर में दो बच्चा चला गया और अब एक ही बच्चा है, छोटा सा बच्चा। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है, मतलब दुखों का पहाड़ टूट गया है, क्या कहें, बहुत दुखित है। क्या लगता है कि ऐसे लोगों पर जो इस तरह से तालाब उलाब बेवजह खोद करके यानी मौत का कुआं जो बना देते हैं, उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए? एकदम जांच का विषय है, इस पे जांच हो और अगर ये सब होता है जांच के बाद तो कार्रवाई जरूर होना चाहिए। छठ घाट बना और छठ घाट के बगल में गड्ढा होना, ये कहीं ना कहीं, अभी तो छठ घाट बना है ये, और समझिए अगला जब छठ होगा उसमें भी कुछ लोग उसमें चले जाएंगे। तो अभी से इसलिए डीएम साहब को हम बोले कि अभी से एक बार आप देख भी लीजिए आकर के। तो ये भोजपुरी गायक गुंजन सिंह हैं जो आज गंभीरपुर गांव में पहुंचे हैं। आप देख लीजिए ये गंभीरपुर गांव का नज़ारा है। यहाँ पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उन्हें आर्थिक मदद दिए हैं। देख लीजिए ये लोग जो हैं आज भी इनके आंखों के आंसू नहीं थम रहे हैं क्योंकि काफ़ी दुखद घटना था। क्या घटना उस दिन घटा था आंटी? बहुत खराब घटना घटा था, जो नहीं होने था वो हो गया, जो नहीं होना था वो हो गया। आप खुद समझ सकते हैं कि एक ही गांव से चार चार डेट बढ़ी है ना, काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना था। बहुत महसूस हुआ। 24 घंटे तक चूल्हे नहीं जले आप लोगों के? नहीं, आज भी गांव में हरियाणा चढ़ ले, हमारे गांव में चार चार गो मर गए डूब डूब के बुतरू। गरीब आदमी मजूरी कर करके फसल खाए, सुन लो कानन चले हरियाणा चढ़ने काम में कुल फूका पड़ गए। जब हमारे गम्मा में हरियाणा चढ़ने काम हम कोई खेल के दो दिन नहीं। आप समझ सकते हैं इनकी दुख को क्योंकि इस गांव से एक बार में चार सब निकला, वो भी ऐसे लोगों का सब जो इस गांव के भविष्य थे, उन पे इस गांव का भविष्य निर्भर करता था। और आज इस पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए गुंजन सिंह पहुंचे हैं। इसके अलावा कई और समाज सेवी और जनप्रतिनिधि यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं इन पीड़ित परिजनों को इस दुख की घड़ी में ढांढस बढ़ाने के लिए।